फैंस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हुनर हाथों का। मैं देखिए फैंस, आज ये खूबसूरत सा ड्रीम कैचर आपके लिए लाई हूँ। बहुत ही प्यारा है, बहुत कम ऊन में बनता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप इसको आधे घंटे में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रिंग बनाएंगे। तो रिंग बनाएंगे दो तीन चैन का, तीन चैन का रिंग बनाएंगे और फर्स्ट वाले में डाल के एक स्लिप स्टिच दे देंगे। इस तरीके से मैजिक रिंग में भी बना सकते हैं आप। अब एक दो तीन चैन लेंगे और फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस रिंग में। दो तीन कैसे चार पाँच, तो इसमें हम टोटल 23 मैजिक रिंग, सॉरी 23 डबल क्रोशिया मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे। तो ये 23 डबल क्रोशिया मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा 23 डबल क्रोशिया इसमें हो गए। तो अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया था इसकी थर्ड वाली चेन में डाल के एक स्लिप स्टिच दे देंगे। देखिए ये हमारा रिंग तैयार हो गया। अब तीन चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया हो गया ये, एक चैन लेंगे स्पेस की, टोटल चार चैन लिए और इसके नेक्स्ट वाले चैन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर उसके नेक्स्ट वाले चैन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे स्पेस की, फिर उसके नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया। ये पूरे में हमने एक चैन का गैप रख के एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे एक चैन लेकर ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के थर्ड चैन में डालेंगे और एक स्लिप स्टिच दे देंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, एक दो तीन चैन लेंगे और दो चैन लेंगे स्पेस के लिए, टोटल पांच चैन लिए और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर दो चैन लेंगे, एक दो, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे दो एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से ये दो दो चैन के साथ एक एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। पूरा राउंड करके दिखाती हूँ। देखिए राउंड भी कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे दो चैन लेकर, दो चैन ले रखी है, दो चैन लेकर इसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की थर्ड चैन में डाल के इसको स्लिप स्टिच दे देंगे। तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, एक स्लिप स्टिच लेकर इसके ये जो स्पेस है इसके सेंटर में आएंगे, एक दो तीन चैन लेंगे, इसी में तीन डबल क्रोशिया और बना देंगे, यानी कि एक स्पेस में चार डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे, इसमें चार डबल क्रोशिया, एक चार, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में चार डबल क्रोशिया। हर स्पेस में हमें चार चार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ऐसे ही इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये वाले डबल क्रोशिया जो उसके आगे डबल क्रोशिया, उससे हम उस पर आ जाएंगे स्लिप स्टिच लेके और एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे स्पेस की और जिसमें हमने बनाए हैं उसी में दोबारा से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा एक वी क्रिएट हो गया। दो चैन लेंगे और नीचे से तीन डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और चौथे वाले पे आ जाएंगे। चौथे वाले पे फिर से हमें एक डबल क्रोशिया, एक चैन और इसी में एक डबल क्रोशिया, ऐसे बनाएंगे। फिर दो चैन लेंगे, नीचे से तीन स्किप करेंगे और चौथे में आएंगे। देखिए तीन स्किप करना है, एक दो तीन, और चौथे वाली चैन में
एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। दो चैन लेंगे, नीचे से तीन स्किप करेंगे और चौथे वाले में एक डबल क्रोशिया, एक चैन और उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैं पूरा राउंड करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम एक स्लिप स्टिच लेके हम ये वी के अंदर आ जाएंगे और इसमें बनाएंगे एक दो तीन, तीन चैन, एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, दो चैन और फिर इसी वी में फिर से दो डबल क्रोशिया बना देंगे। टोटल हमारे चार डबल क्रोशिया हो गए दो चैन के साथ। अब यहाँ पे इस वाले में आएंगे, देखिए इसके अंदर, और एक सिंगल क्रोशिया दे देंगे इस तरीके से। फिर वी में आएंगे, दो डबल क्रोशिया, देखिए एक दो, फिर दो चैन और इसी में दो डबल क्रोशिया फिर से बना देंगे, एक दो, फिर एक, सॉरी यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया देना है इसमें वी, दोनों वी के बीच में जो स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वी में दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। दो डबल क्रोशिया, दो चैन और दो डबल क्रोशिया, इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे जॉइंट। तो ऐसे ही मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए रो भी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात चैन लेंगे, नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चैन, नेक्स्ट रो में एक सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात चैन लेके उसके नेक्स्ट रो में सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से ये पूरे में हम ऐसे चैन बना लेंगे, सात सात चैन एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने पांच चैन बनाई है और इस वाले में जहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया किया था उसी में डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा लुक ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर सात चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात चैन और फिर इस लुक में, लुक के बीच में एक सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात चैन, नेक्स्ट वाले लुक के बीच में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से बनाना है ये हमें, सात सात चैन लेके ये लुक के बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया देंगे, देखिए इस तरीके से। और ऐसे ये मैं रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे मैंने धागा कट करके हटा दिया है। बस इतना ही हमें सबको बनाना है। और अब लेंगे हम एक ये रिंग, ये मेरा लकड़ी का रिंग है जो कढ़ाई करने के लिए यूज़ होता है, वो वाला रिंग है, उसको मैंने सेम कलर के वूल से कवर कर दिया है पूरा। आप कोई सा भी रिंग ले सकते हैं। देखिए अब इसको हमें तभी तक बनाना है, अगर आपका इससे बड़ा रिंग है तो इसकी एक दो रो और बना सकते हैं, ये जो जाली हमने बनाई है, मगर इतना कम होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए, तभी हमारा ये खींच के अच्छे से बैठेगा सेट इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, ये धागा मैंने लंबा कट किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। इस धागे को कहीं भी किसी भी एक जगह पे ऐसे अटैच करना है और यहाँ पे नॉट लगा देंगे हम, देखिए इस तरीके से एक नॉट दे देंगे ताकि हमारा धागा यहाँ पे फिक्स रहे अच्छे से, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये दूसरे लूप में से निकालेंगे और फिर इसको रिंग के नीचे से लेंगे और यहाँ तीसरे लूप में से निकालेंगे। अब इसको खींचेंगे, देखिए ये धागा हमारा जहाँ जहाँ सेट हो रहा है इसको वहीं पे करना है हमें। देखिए दूसरा वाला हमारा यहाँ होगा तो इसको यहीं पे करेंगे इस तरीके से। अब ये जो तीसरा लिए हम
इधर, फिर नेक्स्ट वाले लूप में से निकालेंगे इसको। यहाँ पे से फिक्स कर देंगे, फिर नेक्स्ट लूप में लेंगे। ऐसे ही हमें इसको पूरे को कवर करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। देखिए ये मैंने कुछ टसल बना दी है, दो मेरी एक साइज की है, मतलब मैंने इसको देखिए दो, थोड़ा से ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, फिर ये उससे बड़ी है, और अब ये उससे भी बड़ी है। ये एक है, बाकी दो दो हैं। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, देखिए इसका सेंटर लेंगे, ये हमारा ऊपर लटकाने के लिए है, तो इसका यहाँ सेंटर यहाँ आ रहा है इस एरिया में, तो यहाँ नीचे से डालेंगे इसको और इसमें से निकाल देंगे ऐसे। ये टसल लगाना मैंने आपको कई बार बताया है, सेम वैसे ही लगेगी। ऐसे इसको खींच देंगे और ये नॉट को हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी बड़ी वाली लग गई। अब देखिए ये दूसरी जो इससे थोड़ी सी छोटी है वो वाली लेंगे हम, इसको इस वाले लूप में लगा देंगे थोड़ी सी दूरी पे। इसको जब हम ऊपर निकालेंगे तभी हमारी गांठ पीछे जाएगी, तो इसको ऊपर रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये लग गई दूसरी। अब जो इससे छोटी है वो वाली लेंगे, ये इसको हम यहाँ लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें लगाना है ये, तो एक तरफ मैं लगा के आपको दिखा दे रही हूँ, दूसरी तरफ आप इसी तरीके से लगाइएगा। देखिए अब ये लास्ट में सबसे छोटी वाली लेंगे, इसको हम यहाँ लगा देंगे। देखिए इस तरीके से, और ऐसे ही हम इसके दूसरी तरफ भी लगा देंगे, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी करके, जैसे इसमें लगाए हैं। इनको भी हम ऐसे ही सेट कर लेती हूँ, ये मैं सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सभी मैंने लगा दिए हैं। अब ये जो ऊपर धागा था इसको मैंने कट कर दिया है, और ये देखिए इस तरीके से हम इसको बट देंगे, एक क्लॉकवाइज चलेगा हमारा, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से इसको
ऐसे बट देंगे। देखिए, और इसके बाद इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे तो ये हमारे, ये देखिए डोरी बन गई है। अब इसमें हम नॉट लगा देंगे दोनों को पकड़ के। देखिए दोनों को पकड़ के नॉट लगा दिए हैं। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट करके हटा देंगे। अब इसका हम इसके सेंटर में, ये देखिए जहाँ हमने ये लगाया है इसका सेंटर जो हमारा बीच वाला है, इसका सेंटर हमें पकड़ना है। इसका सेंटर यहाँ है, ये देखिए जहाँ से हमने धागा कट किया था, तो यहाँ पर इसको हमें इस तरीके से लेना है। इस तरीके से ऐसे यहाँ पे एक लूप बना देंगे। ये मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया है, आप थोड़ा लंबा बनाइएगा। देखिए थोड़ा सा ये छोटा लग रहा है, मैं इसमें बाद में इसी तरीके से लंबा हुक लगा दूंगी। और ये देखिए हमारा ये ड्रीम कैचर बनके रेडी हो गया है। मैं आपको इसका लटका के इसको फिर दिखाती हूँ आपको ये कैसे लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मैंने ऊपर डोरी लंबी कर दी है। और ये देखिए हमारा ड्रीम कैचर, थोड़ी सी ऊन और एक छोटा सा रिंग, छोटा नहीं मीडियम साइज़ का, और बड़े में भी आप इसको बना सकते हैं। और देखिए बहुत ही कम ऊन में ये कितना खूबसूरत सा हमारा ड्रीम कैचर बन गया है। आप चाहें तो इसमें बीड्स वगैरह लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जल्द ही एक और इस तरीके का नहीं, इससे थोड़ा सा अलग ड्रीम कैचर मैं आपके लिए एक और लाऊंगी वीडियो, उसकी वो जल्द ही अपलोड करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।